हेलीकॉप्टर में सेना के बड़े ऑफिसर सवार थे और हेलीकॉप्टर पर सीडीएस विपिन रावत भी सवार थे। तो एक बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें एक बड़ा हादसा तमिलनाडु में हुआ है। कुन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर में सेना के बड़े ऑफिसर्स मौजूद थे और हेलीकॉप्टर पर सीडीएस विपिन रावत भी सवार थे। एक बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तमिलनाडु से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक प्लेन यहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और सेना का ये हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में सेना के कुछ बड़े ऑफिसर्स भी इसमें सवार थे, हेलीकॉप्टर पर सीडीएस विपिन रावत भी सवार थे। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और बताया जा रहा है कि सीडीएस विपिन रावत भी इसमें मौजूद थे। अभी तक 3 जवानों का रेस्क्यू किया गया है और बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी अपनी पत्नी के साथ सवार थे। तो एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आया है। तो आपको बता दें एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, एक बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश यहां पर हुआ है। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, हेलीकॉप्टर में सेना के बड़े ऑफिसर सवार थे और हेलीकॉप्टर पर सीडीएस विपिन रावत भी सवार थे। तो खराब मौसम के चलते यहां पर ये हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। सेना का ये हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हो गया। पुष्कल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। पुष्कल अपडेट दीजिए, क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते हादसा हुआ? देखिए सेना की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन साफ तौर पे जो तमिलनाडु का नीलगिरी इलाका है जो पर्यटन स्थल माना जाता है कुन्नूर, वहां पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि उसमें जो सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे। लेकिन ये भी एक राहत भरी वाली खबर है कि विपिन रावत और तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक आधिकारिक बयान सेना की तरफ से एयरफोर्स की तरफ से अभी तक नहीं आया। जी बिल्कुल कुमार पुष्कर, आपसे जानना चाहेंगे इस हेलीकॉप्टर में कौन कौन सवार था? देखिए खबरें ये आ रही हैं कि जो सीडीएस विपिन रावत है उस हेलीकॉप्टर पर में मौजूद थे, उनके साथ उनके सहायक भी थे और सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं वो किसी मिशन पर थे और अभी तक मिशन का भी कोई खुलासा नहीं है। फिलहाल क्रैश किया हुआ है क्या माजरा था, चूंकि हिल स्टेशन है कुन्नूर तमिलनाडु का उस इलाके का, वहां पर ये हेलीकॉप्टर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश किया है। फिलहाल सेना की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी और एक बयान भी थोड़ी देर में आ सकता है। कुमार पुष्कल, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या शुरू कर दिया गया है? देखिए रेस्क्यू रेस्क्यू की बात थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर पर 3 लोग थे जिसमें सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे। तीनों लोगों का रेस्क्यू अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी है सेना की तरफ से, तीनों लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है जिसमें सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे। बिल्कुल, क्या किसी के हताहत होने की भी खबर आ रही है कुमार पुष्कल? अभी कोई आधिकारिक बयान सेना की तरफ से नहीं आया, लेकिन फिलहाल 3 लोगों की रेस्क्यू होने की खबर जानकारी अभी सेना की तरफ से जो प्रारंभिक जानकारी है वो मिल रही है। बिल्कुल कुमार पुष्कल, क्या सेना द्वारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है, क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते हादसा हुआ? देखिए मनीष, थोड़ी देर में सेना की तरफ से एक आधिकारिक बयान आएगा कि आखिरकार किस मिशन पर थे सीडीएस विपिन रावत और क्यों हादसा हुआ, क्योंकि सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लेकिन जान माल की कोई अभी तक खबर नहीं है। रेस्क्यू की खबर जरूर है कि 3 लोगों की रेस्क्यू की गई है। बिल्कुल कुमार पुष्कल, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है, कौन से मिशन पर ये सभी अधिकारी जा रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ? देखिए मनीष, अभी तक सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान, चूंकि इस तरह के मिशन सेना की तरफ से सार्वजनिक नहीं किए जाते, क्योंकि विपिन रावत सीडीएस है, देश के सीडीएस है और उस तरह की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन फिलहाल सेना की तरफ से जरूर एक राहत भरी खबर है, 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जी बिल्कुल, और क्या कुछ अपडेट है कुमार पुष्कल आपको मिल पा रहा है? फिलहाल अपडेट यही है कि रेस्क्यू किया गया है और जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत जरूर मौजूद थे, लेकिन उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। जी बिल्कुल कुमार, कौन से ये क्षेत्र है जहां पर ये हेलीकॉप्टर गिरा है, जहां पर ये हादसा हुआ, और क्या कोई स्थानीय नागरिक भी इसके चपेट में आया है?
देखिए मनीष, वो तमिलनाडु का खूबसूरत पर्यटन स्थल कुन्नूर है, नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास ये बताया जा रहा है कि इस तरह के हादसे वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लेकिन फिलहाल लोकेशन, सही लोकेशन सेना का जब बयान आएगा तब आखिरकार पता चल पाएगा कि आखिरकार उस किस इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बिल्कुल कुमार, और कितना इंतजार करना होगा, कितनी देर में यहाँ पर आर्मी द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है? देखिए मनीष, अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं, जिसमें ये साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो सीडीएस बिपिन रावत है वो सुरक्षित है, क्योंकि उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें साफ तौर पे सीडीएस का नाम आ रहा है। जिस तरह से वहां पर जो प्रत्यक्ष दर्शी है, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें रेस्क्यू किया गया है, और फिलहाल थोड़ी देर में सेना की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी आ सकता है। बिल्कुल कुमार पुष्कल, और आपसे जानना चाहेंगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन सी टीमें लगी हुई हैं? देखिए सेना के जवान जरूर उस इलाके में है जिन्हें जिस वक्त ये हादसा हुआ है, और ये इस हादसे का जो आधिकारिक जो जगह है उसको भी अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है सेना की तरफ से। जब आधिकारिक बयान आएंगे तब पता चल पाएगा कि आखिरकार नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं कुन्नौर का, वो किस जगह पर इस जो हेलीकॉप्टर है, सेना का हेलीकॉप्टर है, वो क्रैश किया है। बिल्कुल कुमार पुष्कल, खबर ये भी है कि इस हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। कैसी उन लोगों की हालत अब बनी हुई है, और अस्पताल में कहां पर उन्हें भर्ती कराया गया? देखिए मनीष, अभी साफ तौर पे मैं बताऊं कि जो रेस्क्यू है वो सफल कहा जा रहा है, जिसमें सेना के जो सीडीएस बिपिन रावत भी उस सरकारी हॉस्पिटल जो हेलीकॉप्टर है सेना का उसमें मौजूद थे, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू की जानकारी जरूर मिल रही है, और जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें ये कहा गया है कि 3 लोगों को सेना ने रेस्क्यू किया है, तो कहीं ना कहीं जान माल की अभी तक खबर नहीं बताई जा रही है फिलहाल, और अब थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है कि सेना की तरफ से एक आधिकारिक बयान आएगा। बिल्कुल कुमार पुष्कल, खबर ये भी है कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत की पत्नी भी मौजूद थी, उनके लेकर के क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया अभी तक? देखिए साफ तौर पे बिपिन रावत की बात आ रही थी, सीडीएस उनकी फैमिली भी थी, तो साफ तौर पे ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि आखिरकार तमिलनाडु के कुन्नूर में। चलिए कुमार पुष्कल, आप बने रहिए, पीके सहगल जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ कारण हो सकते हैं जिसके चलते ये हादसा हुआ है, और ऐसे हादसों के बाद आर्मी द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, कैसे रेस्क्यू किया जाता है? देखो सही बात है, मुझे नहीं लगता है जो हेलीकॉप्टर आर्मी का हो, आर्मी के हेलीकॉप्टर में 14 अफसर आ नहीं सकते। शायद एयरफोर्स का है, एयरफोर्स के पास जो है हेलीकॉप्टर जिनमें 14 जा सकते हैं, खुद हेलीकॉप्टर पायलट रह चुका हूँ। कारण हो सकता है कोई मेल फंक्शनिंग, इंजन फेलियर, या मौसम की वजह से, या पायलट एरर। मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार का पायलट एरर हुआ, क्योंकि इस माफी का VVIP जब ऑन बोर्ड हो, किसी भी एयरफोर्स या आर्मी इंश्योर करती है कि जो पायलट मोस्ट कॉम्पिटेंट पायलट था डिटेल। और साथ ही साथ एक हुक्म भी है कि 2 सीनियर ऑफिसर एक हेलीकॉप्टर में नहीं जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि उनके साथ और भी कुछ सीनियर ऑफिसर थे। इट इज वेरी वेरी सैड एंड समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा जो है, इनके ध्यान से बहुत जबरदस्त सेटबैक होगा कि थिएटराइजेशन के पीछे ये लगे हुए थे, उस थिएटराइजेशन में काफी ज्यादा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि जो नया जिसको नियुक्त करेगा रिक्ति में भी काफी टाइम लगेगा, और उसको पूरे माहौल को जानना समझने में काफी टाइम लगेगा। बिपिन रावत जो थे तीनों चीफ से सीनियर थे, इसलिए वो कुछ हद तक उसको पुश थ्रू भी कर सकते थे, और दूसरा उनको गवर्नमेंट का हर प्रकार से सपोर्ट था। और गवर्नमेंट का सपोर्ट कम्प्लीटली ना हो, और गवर्नमेंट का विश्वास और भरोसा ना हो तो देश के लिए, और इस टाइम पर जब हमारे चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हालात काफी ज्यादा नाजुक है, इनका ध्यान जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही जबरदस्त झटका है देश के लिए, और मैं उनके और उनके परिवार को देशवासियों की तरफ से पूरी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जहाँ तक रेस्क्यू का तल्लुक है, इस समय रेस्क्यू में आर्मी जो है वेलिंगटन पास में डिफेंस कॉलेज, वहां से आर्मी जुट गई होगी, प्लस एयरफोर्स और आर्मी पर्सनल ऑलरेडी पहुंच गए होंगे, प्लस साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके भी ऑफिसर वगैरह जो है पहुंच गए होंगे, और कहा जा रहा है कि जो कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं उनको तुरंत से उठा के हॉस्पिटल में ले जाया गया, वो तो फ्लाई आउट कर जाते हैं।
बिल्कुल, ऐसे जो कुछ भी हो सकता है सर्विसेज की तरफ से, चाहे आर्मी हो चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स, जो भी नजदीक होगा दे विल ऑल एक्ट एंड एक्ट इमीडिएटली। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे जब ऐसे तरीके इस तरीके के हादसे होते हैं, सेना के हेलीकॉप्टर के हादसे होते हैं, उस दौरान कौन कौन सी टीमों को यहाँ पर भेजा जाता है? और खबर अपडेट ये भी आ रही है कि आर्मी द्वारा 2 बजे इस पूरे मामले को लेकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जैसे पहले मैंने कहा कि बहुत देर से स्टैंडर्ड एसओपी है जी कि किसी भी एक हेलीकॉप्टर में 2 से ज्यादा जनरल्स ऑन बोर्ड नहीं हुए। हाँ, ये जो मैं टीवी पर देखा उसमें कह रहे हैं कि 3 सीनियर ऑफिसर भी ऑन बोर्ड थे। अगर वो सही है तो एसओपी को वायलेट किया गया है। दूसरा जो है, अगर वेदर खराब था उस मौसम में हवाई जहाज को तो हेलीकॉप्टर को जाने का। तीसरा जो कारण हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि इंजन फेलियर हो सकता है। हाँ, या कोई मटेरियल फेलियर हो सकता है, या कोई भी और मैन फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम हो सकता है, तेल रोटर जा सकता है, मेन रोटर जा सकता है। बिल्कुल, और ये जो हादसा है बहुत ही ज्यादा गंभीर है और जबरदस्त इसका सेटबैक होगा पूरे नेशन के ऊपर और जहां तक डिफेंस प्रिपेयरनेस के ऊपर टू सम एक्सटेंट। बिल्कुल सर, खबर ये भी है कि खराब मौसम के चलते यहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण मिशन हो सकता है जिसके चलते इमरजेंसी इस हेलीकॉप्टर पर सभी अधिकारी सवार होकर के निकले? मुझे नहीं पता बेटे, उस एरिया में तो इस वक्त कोई इमरजेंसी का तल्लुक ही नहीं होना चाहिए था। बिकॉज उस एरिया में ना तो कोई दुश्मन है जी, ना ही कुछ एक्सरसाइज हो रही थी उस एरिया में। इसलिए ये कहना कि किस मिशन पर थे, क्या कर रहे थे, ये मैं नहीं जानता। हाँ, और प्रीमैच्योर होगा इसके बारे में बातचीत करना अनलेस एंड अंटिल आई नो द फैक्ट्स। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी क्षति है ये, एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है, MI-17 बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हुआ है, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? इसमें 4 अधिकारी भी शामिल थे। एक बार ये दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, ये हेलीकॉप्टर जो है एयरफोर्स का है। हाँ, MI-17 जो है इंडियन आर्मी के पास नहीं है जी, और नहीं आने वाले समय में इस मामले के हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। हाँ, दूसरा ये हादसा जो है बहुत ही ज्यादा संगीन है। हाँ, बहुत जबरदस्त सेटबैक है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और CDS का मारा जाना जिसके ऊपर हर प्रकार से गवर्नमेंट को विश्वास था, वो पूरी स्थिति अगर चाइना और पाकिस्तान हद से वाकिफ थे, गवर्नमेंट को उनके ऊपर भरोसा था और बड़ी चीजें पुश कर रहे थे। हाँ, उन सब में जबरदस्त सेटबैक हो सकता है। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति यहाँ पर हुई, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर कोई ऐसा क्षेत्र भी नहीं है कि यहाँ पर इमरजेंसी, यहाँ पर हादसा मतलब इस बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ लगातार PK सहगल जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति इसे माना जा रहा है, एक बड़ा हादसा यहाँ पर, और सेना का हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हो गया और हेलीकॉप्टर में सेना के बड़े ऑफिसर्स भी सवार थे, और बताया ये भी गया है कि हेलीकॉप्टर पर CDS विपिन रावत सवार थे। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ और हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है, और लगातार भारत समाचार पल पल के अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहा है। और तमिलनाडु की ये तस्वीरें हैं, कुमार पुष्कर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ।